वो गांधी तो है ही नहीं, नकली गांधी है। देखो गांधी जी के विचार नहीं कांग्रेस में, गांधी जी की सोच नहीं है, गांधी जी का चश्मा नहीं है, ये नकली गांधी है हिंदुस्तान के अंदर। इनको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए हिंदुस्तान से। इमरान खान के पिट्ठू बने हुए हैं, इमरान खान की चमचागिरी करते हैं यहाँ से। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहूंगा जेएनयू के अंदर पूरी फंडिंग बंद करे। सिख भाई अभी जाग जाओ और इनके ऊपर एक्शन लो। जैसा कि जेएनयू के अंदर पहले से फीस हाइक को लेकर के हंगामा होता रहा और आज फिर दोबारा से जो रात की वीडियोस देखने को मिली कि वहां पर लोगों नकाबपोश अंदर घुसे और उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ हुई, तो सर क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो जेएनयू के अंदर हुआ है ना, वो उन्होंने आपस में ही कुछ गुंडे बुला के, बाहर के लोग एक भी नहीं थे जेएनयू में के अंदर, सीपीएम के और वो लेफ्ट के आदमी थे और लड़के थे और लड़कियां थी, उन्होंने आपस में उदम किया और आपस के अंदर गुंडागर्दी की है। और प्रियंका गांधी एम्स हॉस्पिटल के जाने के बाद में जैसे वो बाहर निकली है, पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि जबकि दिल्ली पुलिस ने सहयोग किया है, दिल्ली पुलिस को कम से कम 500 कॉलें गई है कि साहब हमारी हेल्प करो, उसके बाद परिसर के अंदर दिल्ली पुलिस घुसी है उनकी रक्षा करने के लिए। और जेएनयू वाले जो है वो छात्र दिल्ली पुलिस को गालियां देते हैं और कल यहाँ सीपी के अंदर भी वो काफी उदम करके गए हैं जेएनयू वाले। और इसमें जेएनयू के अंदर जो है सपोर्ट जो कर रहे हैं, एक कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और एक केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है। एक बार गुंडागर्दी मचा रखी है वहां पर। सर एक बात ये बताइए कि जामिया के अंदर अगर पुलिस घुसती है तो उस पर विरोध करते हैं और जेएनयू के अंदर पुलिस बुलाते हैं, क्या चक्कर है ये? ये साहब मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ी राजनीति इसमें, लेफ्ट है, सीपी में और कांग्रेस है, ये तीनों को तीनों मिले हुए हैं, जामिया और आप पार्टी है। और इसके अंदर क्या है कि जामिया के अंदर जब पुलिस पहुंचती है तो बोलते हैं जामिया के अंदर पुलिस पहुंच गई। फिर आपने देखा होगा अभी एक 15 दिन से क्या नाटक चल रहा है, पुलिस इनको पकड़ती है तो ये कांग्रेस वाले चिल्लाने लगते हैं, प्रियंका गांधी पहुंच जाती है। प्रियंका गांधी, मैं गलती से निकल गया, गांधी वो तो वो है, प्रियंका वाड्रा है, वो गांधी तो है ही नहीं, नकली गांधी है। देखो गांधी जी के विचार नहीं कांग्रेस में, गांधी जी की सोच नहीं है, गांधी जी का चश्मा नहीं है, ये नकली गांधी है हिंदुस्तान के अंदर। इनको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए हिंदुस्तान से। इन कांग्रेस का समय खत्म हो गया, इनका ये समय पाकिस्तान में भेजना चाहिए इन सबको। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं ये सारे के सारे, इमरान खान के पिट्ठू बने हुए हैं, इमरान खान की चमचागिरी करते हैं यहाँ से और यहाँ से संदेश भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर। इनको तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान से निकाल दो इनको, कांग्रेसियों को। पाकिस्तान की बात करें तो सिख समुदाय के ऊपर हमला होता है और वहाँ के जो गुरुद्वारा है उसके नाम बदलने की बात हो जाती है, उस पर तो ये कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है वो कहीं भी एक भी शब्द नहीं बोलते। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, ये इन्होंने जो उदम किया है, बैंक खिसक जाता है इनका, जो इनका वोट बैंक है वो खिसक जाता है। सर अगर पाकिस्तान में गुरुद्वारे के नाम बदलने के वो शोर मचा रहे हैं, इसके विरोध में इन्होंने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ बोलेंगे तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो कट जाएगा। अच्छा और जेएनयू के लिए कहते हैं, अगर जेएनयू के अंदर कल एक हंगामा हो तुरंत प्रियंका वाड्रा उधर पहुंच जाती है। राजस्थान में 150 बच्चे मर चुके हैं कगार पे, उधर एक बार भी देखने नहीं गए, वो कहां सो रहे हैं उधर, वो उनका राज्य नहीं है। कांग्रेस यही चाहती है, पहले जैसे अंग्रेज कर रहा था फूट डालो राज करो, वही नीति कांग्रेस अभी भी अपनाने के लिए तैयार है, वही चाहती है। लेकिन मैं देश का जुआल अभी पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो नहीं करने सकेगा। कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी हम मारपीट करके, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके हम राजगद्दी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब कभी सपना कांग्रेस का पूरा नहीं होगा। जेएनयू का छात्र है वो पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन मैं इसको युद्ध भूमि में लड़का रही है, बेकार है, फूट डालो राज करो, जेएनयू का बोलना नहीं चाहिए। ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का मामला देखना चाहिए, पॉलिटिक्स में आने का पढ़ने के बाद पॉलिटिक्स करो, पढ़ाई करो इसके बाद पॉलिटिक्स तुम लोग करो, कह लिए पहले देश को बर्बाद करने के लिए। फूट डालो राजीव चौक पे, कल राजीव चौक पे जेएनयू के स्टूडेंट आए हुए, आप बताइए, पहली बात तो उसमें आंटियां थी, वो कह रहे थे हम इसमें कॉलेज में पढ़ गए और वो यहाँ पे इंडिया पे जमीन पे लिख रहे थे, भारत लिख रहे थे, इंडिया लिख रहे थे, सेकुलर कंट्री लिख रहे थे। हमने उनसे बोला देखिए आप जमीन पे मत लिखो, आपको विरोध करना पेपर ले लो उस पे लिखो, जमीन पे आप लिख रहे हो उस पे पैर जाएंगे। वो खुद उस पे इंडिया लिख के और इंडिया पैर रख रहे थे उसके ऊपर, बताइए कहां से पढ़े लिखे। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर विरोध करना है तो तरीके से किया जाता है, परंतु इस तरह का विरोध और विरोध पहले भी देखने को मिला जेएनयू के अंदर
टुकड़े टुकड़े की बात हुई थी, देश के आजादी मांगने की बात हुई, तब भी राहुल गांधी पहुंचे थे, केजरीवाल पहुंचे थे, आज दोबारा फिर हुआ तो यही पहुंच गए। ये जो इसमें अंगारा जितना जेएनयू में हो रहा है ये सब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की पूरी फंडिंग जा रही है, पूरे पैसे दे रहे हैं वो इन लोगों को और हंगामा भड़का रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय सरकार का विरोध करने के, लड़ाई करने के लिए, मोदी जी का जो विरोध करने के लिए कोई उन पर मुद्दा नहीं है इस समय। वो चाहते हैं हम स्टूडेंट को बढ़ाएं, हम देश के अंदर आगजनी करवाएं, ये चाहते हैं, उनकी पूरी फंडिंग आ रही है, पूरा पैसा आ रहा है इनके पास। देखिए जेएनयू एक बन गया आतंकियों का अड्डा बन गया, यहाँ पे हुरियत से भी फंडिंग आता है, आईएसआई से भी फंडिंग आता है और हमारे चंद कुछ नेता वहां फंडिंग देते हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहूंगा जेएनयू के अंदर पूरी फंडिंग बंद करे, एक भी केंद्र सरकार कोई पैकेज ना दे, ये आतंकवादी का अड्डा बन गया जेएनयू और जेएनयू में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं वहां पे। और बात रही यदि आगजनी हो रहा है, जो भी हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ये कौन करा रहा है समझना होगा। देखिए 1984 दंगे आरोपी को लेके प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट में जाते हैं, जगदीश टाइकलर को लेके, सरासर गांधी परिवार हो, कांग्रेस पार्टी हो और केजरीवाल कंपनी हो, ये सारे दंगाइयों के साथ है, साफ दिखता है। तो एक दिन पहले सर्वर को बंद करने की बात की गई, उस सर्वर को हैक कर लिया गया और रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रहे थे, जो फीस हाइक होने के बावजूद भी वहां पर छात्र अपना पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद फिर ये तोड़फोड़ होती है। देखिए ये बहुत बड़ा चाल है, सांप रणदीप सुरजेवाला का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं सुन रहा था, सांप ये संदेश दे रहा है कांग्रेस और केजरीवाल कंपनी पूरा इसमें इन्वॉल्व है और इनके ऊपर जांच होना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए को भी देखना चाहिए और इनके ऊपर जांच होना चाहिए, जो भी दोषी है उनको जेल में डालना चाहिए। और देखिए और एक बताता हूं, जो पाकिस्तान में हुआ है ननकाना साहिब में बहुत गलत हुआ है, एक सिख सरदार को भी मारा गया है, बहुत निंदनीय घटना, इसके ऊपर कांग्रेस सरकार देश की जनता को भटका रहा है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है सरदार, इस पर कोई भी बात नहीं, कोई शब्द नहीं निकला, केजरीवाल एंड कंपनी का भी इस पे कोई नहीं आ रहा है। सिखों को 1984 सिख दंगे में भी सिखों को मरवाया, अभी भी मरवा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ सिख भाई अभी जाग जाओ और इनके ऊपर एक्शन लो और सीए का सपोर्ट करो, जो भी इसका विरोध करता है उसका पिटाई करो। सर नाम क्या आपका? कैलाश गुप्ता। मैं हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेता श्री कैलाश गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर आज का ये सीए के समर्थन में प्रोग्राम आयोजित किया गया है और हम देश के इस कानून के साथ हैं और इसमें कोई बुराई नहीं समझते, तो इसके ऊपर हमारे कैलाश गुप्ता जी के जो विचार हैं वो आपको देंगे। सर बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको ये कहते हैं वो समर्थन करें और देशद्रोही ना बने, और देश को जब ये पास हुआ है कानून, ये पहली बार एक ऐसा 70 साल में जो पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया गया है और जो दोनों हाउसों से पास किया गया है, देश की 90% जनता इसके साथ है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं जानी है, एक नागरिकता की पहचान होनी है और इसको एक बेतुक इसको तुल दिया जा रहा है और देश की प्रॉपर्टी को और इसको देश को बांटा जा रहा है। सर पाकिस्तान के अंदर सिखों के ऊपर हमला होता है और सीए विरोध वाले बिल्कुल शांत बैठे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं, देशद्रोही जो सीए का विरोध करते हैं वो देशद्रोही है, वो देश को बांटना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आज बहुत सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर एक राजनीतिक पार्टी जो कि अच्छे कार्य कर रही है, धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाया और उनको पार्लियामेंट से पास करवाया, आज जो प्रैक्टिकल काम हो रहा है उसको ये सरकार उसके साथ ये विरोधी दल उसको बांट रहे हैं, जिनकी ना सीटें हैं ना उनका नेतृत्व है, लेकिन सब चोरों की बारात इकट्ठी हुई है और एक ईमानदार राजा के विरोध में खड़ी हो रही है। तो क्या कहेंगे जैसे कि सिखों के ऊपर जो हमला हो रहा है, अगर उनको नागरिकता मिलती है तो क्या बुराई है? पाकिस्तान में जो सिखों पे हमला हो रहा है वो इस बात का सबूत है कि ये जो मोदी जी कानून लेकर आए हैं इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है और ये कानून कितना सार्थक है, ये पाकिस्तान में सिखों का हमला इस बात को साबित करता है कि ये कानून जितना जल्दी लागू हो उतना हिंदुस्तान के लिए अच्छा है।
है। तो जिस तरीके से वहाँ पर एक सिख बच्चे को भी वहाँ पर लोगों ने मार दिया है और इमरान खान बिल्कुल शांत बैठे हैं और देश के जो कह सकते हैं सीए का जो विरोध कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। ये बहुत ही निंदनीय बात है और इसकी जितने ऊंचे स्वर में निंदा की जाए उतनी कम है। और हम उसी चीज की निंदा करने के लिए आज हमारी पूरी व्यापारिक कम्युनिटी दिल्ली की यहाँ पे इकट्ठा हुई है मोदी जी को संदेश देने के लिए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जैसा कि आप दिल्ली चुनाव की डेट भी क्लियर हो गई 8 फरवरी, तो क्या लग रहा है कि व्यापारी वर्ग किन मुद्दों पर लेकर के अबकी बार चुनाव में वोट करेगा? सीए के समर्थन में करने में व्यापारी वर्ग देश हित के मुद्दों पे लेकर चुनाव में अपनी वोटिंग करेगा, क्योंकि देश पहले है, व्यापार बाद में है। देश रहेगा तो व्यापार हम तभी कर पाएंगे। और ये सीए का कानून जो मोदी जी लाए, आज विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जो आज पाकिस्तान में सिख परिवारों पर हमले हो रहे हैं ये उसी को दर्शाता है कि ये सीए कितना देश के लिए, नागरिकों के लिए जरूरी था वहां के।